नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ अब तक एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और 3 विदेशी ड्रग्स तस्कर सहित 4 को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। बरामद की गई ड्रग्स 1818 किलो सुडेअप ड्रीन और 2 किलो हीरोइन शामिल है। रेडी। 9 मई को CISF की दिल्ली एयरपोर्ट यूनिट ने एक साउथ अफ्रीकन लेडी को इंटरसेप्ट किया। उनका संदेह था कि दैट साउथ अफ्रीकन लेडी इज कैरिंग सम कॉन्ट्रैबैंड। दरअसल कुछ दिनों पहले CISF ने दिल्ली एयरपोर्ट से एक साउथ अफ्रीका मूल की महिला को गिरफ्तार किया था और उसके कब्जे से काफ़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई थी। ये ड्रग्स उसके कपड़ों में छुपाकर विदेश ले जाया जा रही थी। जब इस महिला से पूछताछ हुई तो पूछताछ के आधार पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ग्रेटर नोएडा के एक घर में छापा मारा और घर के अंदर रखी 1818 किलो सुडेअप ड्रीन और 2 किलो हीरोइन जब्त की, जिसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपये हैं। साथ ही नाइजीरिया मूल के एक शख्स और महिला को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने MCB को इन्फॉर्म किया। ये बीच रात की बात है, 8 और 9 के बीच के रात की, और NCB की टीम वहाँ पहुँच गई और NCB की टीम ने डिटेक्ट किया CISF के कोऑपरेशन से कि वो साउथ अफ्रीकन लेडी 24.7 kg सुडो यूफेड्रीन लेके जा रही थी। सुडो एफेड्रीन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया में किया जाता है। नारकोटिक्स के द्वारा ये अब तक की सबसे बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी गई है। ये ड्रग्स NCR के साथ साथ विदेशों में भी सप्लाई होनी थी। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इन अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करों के और कौन साथी हैं, इनका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला है। विकास कुमार के साथ रीना गुप्ता, NN News, दिल्ली। दिल्ली और NCR की खबरों के लिए देखते रहिए NN News, दिल्ली NCR। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।